इसराइल को लेकर अचानक माहौल गर्मा गया है। इसराइल के खिलाफ मुस्लिम देश एकजुट हो गए हैं। चीन भी इसराइल को मानवाधिकारों की नसीहत दे रहा है। आप माने या ना माने, लेकिन अब तो इसराइल को पाकिस्तान ने भी धमकी दे दी है। चीन और ताकतवर मुस्लिम देशों का तो समझ आता है, लेकिन पाकिस्तान अपनी मौत को क्यों दावत दे रहा है? आपको बता दें कि ये सभी देश इसराइल से इसलिए नाराज हैं क्योंकि इसराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गिविर ने यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद परिसर का दौरा किया। इस दौरे के बाद पाकिस्तान ने कहा है कि इसराइल को अपनी गैरकानूनी हरकतें बंद कर देनी चाहिए और कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में मुस्लिम धार्मिक स्थलों का सम्मान करना चाहिए। हैरानी की बात देखिए कि पाकिस्तान यरूशलेम को इसराइल के कब्जे वाला हिस्सा कह रहा है। अगर इसराइल ने एक बार भी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर कुछ बोल दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बहरहाल इन सभी के बीच सबसे मजे की बात यह है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसराइल को फोन मिलाया है। आप विदेश मंत्री एस जयशंकर की जबरदस्त टाइमिंग देखिए। जब भारत को नसीहत देने वाले मुस्लिम देश इसराइल को धमका रहे हैं, चीन और पाकिस्तान इसराइल पर भड़क रहे हैं, ठीक उसी वक्त जयशंकर इसराइल के नए विदेश मंत्री को पद संभालने की बधाई दे रहे हैं। आपको याद दिला दें कि इसराइल में सत्ता परिवर्तन के बाद बेंजामिन नेतन्याहू फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। बेंजामिन नेतन्याहू भारत के करीबी माने जाते हैं। नेतन्याहू की वापसी के बाद भारत और इसराइल के संबंधों को मजबूत करने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसराइल के विदेश मंत्री से फोन पर बात की। जयशंकर ने इसराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन से दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने पर बात की है। जयशंकर और इसराइली विदेश मंत्री की बातचीत से सबसे ज्यादा परेशानी अब पाकिस्तान को हो रही है। पाकिस्तान भी अब सोच रहा होगा कि ना जाने किसकी बातों में आकर इसराइल को धमकी दे दी, क्योंकि पाकिस्तान को ये थोड़ी ना पता था कि उसकी धमकी के बाद जयशंकर इसराइल में फोन मिला देंगे। अब आपको सबसे मजे की बात बताते हैं। इसराइल भारत के साथ कृषि के क्षेत्र में काम करना चाहता है। इजरायली विदेश मंत्री ने जयशंकर से इसको लेकर चर्चा भी की है। इसराइल कई बार भारत से कह चुका है कि वो कृषि के क्षेत्र में भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। इसके लिए इसराइल ने भारत की एक बहुत ही खूबसूरत जगह भी ढूंढ ली है। अब आपको वो जगह बताते हैं जहां इसराइल भारत में काम करना चाहता है। इसराइल को कश्मीर पसंद आया है। इसराइल कश्मीर में दो सेंटर खोलना चाहता है। अब देखिए, भारत ने अगर हां बोल दिया तो इसराइल पाकिस्तान के दरवाजे पर आकर बैठ जाएगा। अगर इसराइल ने कश्मीर में अपने सेंटर खोल लिए तो हो सकता है कि वो पाकिस्तान से आवाज लगाकर पूछे कि अब बताओ क्या बोल रहे थे।